अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू MCQS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर वन में हम लोगों ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम लोग नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी क्या बदलाव आ रहे हैं, अब तक क्या बदलाव आ चुके हैं, क्या चेंजेस आ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ा। कुछ स्टोरी बोर्ड भी हम लोगों ने पढ़े हैं और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह की गारंटी लेते हैं हमारे जो भी राइट्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए, और क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स वो जो है हमारे लिए बनाता है। और इसी तरह इसके आगे हम लोगों ने पढ़ रहे थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, सेकंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। नाउ सो टुडे वी विल रीड अबाउट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या पावर्स जो हैं इसमें, मतलब जो है दे रखी है गवर्नमेंट की, क्या क्या पावर्स हैं और उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट्स की, और वो किस तरीके से वर्क करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनकी पावर्स को किस तरह से जो है मिसयूज़ करने से रोकता है। सो आपको पता है कि आफ्टर फ्रीडम जो है हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसमें 3 ऑर्गन्स जो हैं बनाए गए थे। देन उसके बाद में उनके जो पावर्स उनको दी गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी उन लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये जो है पावर्स जो हम लोग जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के लिए या अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट इसको मिसयूज़ करें। ओके, सो हम लोग यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। Separation of powers according to the constitution, there are 3 organs of government. There are the legislature, the executive and the judiciary. Okay, तो according to the हमारे constitution के हमारे कितने organs हैं, कितने part है government के, 3 parts हैं। First is legislature, the second is executive and third is the judiciary. तो ये 3 parts हमारे जो है government के हैं। Government जो है सिर्फ एक, कोई एक organ नहीं है, कोई एक मतलब जो है संस्था नहीं है या कोई एक मैन पावर नहीं है, ये जो है टोटल जो है इसके 3 parts government के कर दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो है एक अच्छी गवर्नमेंट जो है किस तरह से रन करती है और किस तरह से अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करती है और किस तरह से जो है अपने सिटीजन्स के राइट्स के लिए, उनके लिए रूल्स और लॉ बनाने के लिए किस तरह से वो काम करेगी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रिफर टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो जो लेजिस्लेचर जो है ये हमारे जो हम रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुनते हैं वो मतलब उस मेंबर का जो है पूरी एक जो है एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप बोल सकते हैं इसको लेजिस्लेचर को, कि ये लोग जो हैं यहाँ के जितने भी मेंबर्स जो चुन करके जाते हैं वो हमारे इंडियन सिटीजन्स के द्वारा ही चुने हुए जाते हैं। एंड सेकेंड इज़ द एग्जीक्यूटिव इज़ ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और सेकेंड जो है एग्जीक्यूटिव, ये एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए। एंड थर्ड इज द जुडिशियरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। एंड थर्ड जो है वो जुडिशियरी, जिसके बारे में हम और जो है हमारी चैप्टर 3 के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 3 के अंदर हम लोग जुडिशियरी के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। सो रिफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, तो ये रिफर्स करता है हमारे कोर्ट का क्या सिस्टम है, हमारे कोर्ट्स आपको पता है ना, तो सिटी का हमारी जो सिटी के अंदर जो होती हैं छोटी छोटी जो शहर हैं वहाँ पर जो है सिटी कोर्ट्स वगैरह होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, आपको पता है जोधपुर में हाई कोर्ट है, इसके अलावा भी जो है जयपुर में भी हाई कोर्ट है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा पंचायती राज आप लोगों ने सुनी है कि यहाँ पर भी मतलब जो है लोगों की जुडिशियरी से रिलेटेड सभी वर्क होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। यानी कि इन पावर्स को जो भी है किसी भी एक ब्रांच को, जैसे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी को जो है अपने जो है पावर को मिसयूज़ करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है कि इनकी जो ऑर्गन्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट जो है पावर्स होंगे, इनके पास अपनी खुद की अलग अलग पावर होगी। थ्रू दिस
ईच ऑर्गन्स एक्ट्स एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। यानी कि ईच ऑर्गन जो है, जो हर एक ऑर्गन जो होगा ये चेक करेगा कि अदर जो ऑर्गन्स जो हैं वो जो है गवर्नमेंट के, वो ये इंश्योर करें कि इनमें बैलेंस बराबर रहे और वो एक दूसरे को पावर का मिसयूज़ करने से वो रोकेंगे। यानी कि अगर लेजिस्लेचर अब मिसयूज़ करता है अपनी पावर का तो उसको रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होंगे। जुडिशरी अगर उसको अपना मिसयूज़ करता है तो उसके लिए लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव के जो है स्मॉल ग्रुप के जो पीपल हैं वो अगर अपनी पावर का गलत यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो उसको लेजिस्लेचर और जुडिशरी इसको रोकेगा। तो ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये हम जो है इसको ध्यान में रखकर बनाया गया कि किसी भी पावर का मिसयूज नहीं किया जाए अगेंस्ट सिटीजन्स के। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फियर्ड दैट द एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रांग एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको ये चीज़ का डर था कि एग्जीक्यूटिव्स के अंदर ये होना चाहिए कि इतना स्ट्रांग और होना चाहिए ताकि वो अपनी अगर लेजिस्लेचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहा है या किसी भी तरह का मिसयूज़ कर रहा है तो वो उसको रोक सके। द असेंबली देयरफॉर इंक्लूड नंबर्स ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज अ होल। इसी तरीके से जो है इन्हों लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह का एक सिस्टम रखा कि अगर एग्जीक्यूटिव्स की कोई ब्रांच वगैरह जो भी है वो किसी भी तरह का अपना अपनी जो है कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल होती है या किसी भी तरह का एक्शन लेती है तो उसको ये लोग रोक सकेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ को मतलब जो है क्लियर कर दिया था कि सभी ब्रांचेस जो हैं अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करें। और यहाँ पर इसी तरीके से जो है लेजिस्लेचर है वो भी अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एग्जीक्यूटिव वो भी अपने काम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हो, और हर तरह की लिमिट और अपने कंट्रोल के अंदर ही अपने एक्शन को मतलब जो ले सकें। ओके, यहाँ पर तो था कि सेपरेशन जो है पावर का किस तरीके से कर दिया गया और किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इन लोगों को जो है एक जो है पावर दी गई कि वो अपना किसी भी तरह का मिसयूज़ नहीं करें पावर का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अभी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स से जब भी हम लोगों को नेम लिया जाता है स्टेट का तो हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं जैसे हमारा राजस्थान स्टेट है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है हमारा पूरा इंडिया जो है हर सभी स्टेट्स को मिला करके बना हुआ है, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो हम लोगों के दिमाग में एक यही चीज़ आती है कि स्टेट जो है एक अपने आप में एक जो है गवर्नमेंट है, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बट यहां पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर। यहां पर जो स्टेट का जो ज्यादातर यूजेज आ रहा है इस चैप्टर में, दिस डज नॉट रिफर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। यहां पर जो हमारे यहां पर स्टेट से रिलेटेड जो भी वर्ड आ रहा है ना तो हमारी यहां की स्टेट गवर्नमेंट से रिफर नहीं करता है, इसके बारे में नहीं है। Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for administrating and enforcing laws. तो यहाँ पर जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को ये जो है रिफर नहीं करेगा। और यहाँ पर ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगी, हमारी टोटल जो गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लॉ को मतलब जो है फोर्सफुली लगाने के लिए, और ठीक तरीके से लॉ का जो है मतलब पालन भी किया जाए, कानून जो भी बना रही है हमारी यहाँ की गवर्नमेंट उसका भी जो है उसको भी ठीक तरीके से चलाएं। द गवर्नमेंट कैन चेंज विथ इलेक्शंस। अब गवर्नमेंट तो क्या होती है, हर इलेक्शन में चेंज हो जाती है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट थी लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर, अभी कांग्रेस की हो गई है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर किसी और की गवर्नमेंट भी हो सकती है। और इसी तरह से जो है गवर्नमेंट जो है हर इलेक्शन में चेंज हो जाती है, इलेक्शंस के बाद में एवरी 5 ईयर जो है गवर्नमेंट चेंज होती है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट सॉवरेन पीपल वो ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटोरी। यानी यहाँ पर जो है स्टेट को जो है हम लोग यहाँ पर रिफ़र करेंगे इसमें कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होता है जहाँ पर कि सभी लोग जो हैं बिल्कुल जो है फ्रीडम के साथ में रहते हैं और उनकी जो है अपनी जो है आप किसी भी भूभाग में या किसी भी जगह के ऊपर वो रह रहे हैं
तो उनकी जो है पूरी की पूरी जो है वहाँ पर एक सॉवरेन होगी, उन लोगों को एक पूरा पावर होगा, फ्रीडम होगी कि वो अपनी जो है किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चला रहे हैं और हर तरीके का उन लोगों को अपने यहाँ की जो है स्टेट्स को लेकर के पावर को यूज़ करने का, डिसीजन लेने का पूरा पूरे राइट्स होंगे। वी कैन थस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन स्टेट है, जैसे हमारे इंडियन की सॉवरेन जो है गवर्नमेंट है, हम लोग जो है बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट हैं अपने यहाँ के किसी भी लॉ को मतलब लगाने के लिए, अपने यहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो वगैरह करने के लिए हमारे यहाँ के सिटीजन जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे। इसी तरह से नेपाली जो स्टेट है उनका अपना एक स्टेट कहलाएगा। द इंडियन स्टेट हैज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडियन स्टेट जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर हमारी गवर्नमेंट के रूप में है, जैसे कि यहाँ की जो भी है गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो चुनी गई है इंडियन स्टेट में वो यहाँ के सिटीजन्स के थ्रू ही चुनी गई है। द गवर्नमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव इज़ द वन पार्ट ऑफ द स्टेट। और जो गवर्नमेंट का जो है एक पार्ट जो एग्जीक्यूटिव है वो भी इसी स्टेट का पार्ट है। द स्टेट रिफर टू द मोर देन जस्ट अ गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजिबली विथ इट। तो यहाँ पर जो है स्टेट जो है रिफर करता है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर जो है किसी भी तरह के जो है अंदर जो है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, या अंदर अगर किसी भी तरह की गवर्नमेंट को अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पर किसी तरह का चेंजेस वगैरह आ जाए तो ये भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं होता। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स के लिए। सो आई हैव रिक्वेस्टेड यू कि आप लोग भी जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए।